नमस्कार, मेरा नाम है शाहनवाज इलियास और आप देख रहे हैं खबर एक्शन। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर निर्णायक वोटर कहलाते हैं। कुछ लोकसभा ऐसी है जहां मुस्लिम काफी निर्णायक भूमिका में है, वही तय करते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी और हारेगा कौन। खबर एक्शन के चुनावी चकल्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जो सामाजिक भी है और मुसलमानों के लिए काम भी करते हैं। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, कशिश वारसी साहब। आज हम इस चुनावी चकल्लस में कई तरह की बातें करेंगे, पूछेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में तमाम वादे किए जाते हैं मुसलमानों के हितों के लिए, मुसलमानों को आरक्षण के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो कशिश भाई से आज जानने की कोशिश करेंगे। कशिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कशिश भाई, लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है, तमाम सरगर्मियां हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं, चाहे वो अगर बात की जाए रामपुर लोकसभा हो, मुरादाबाद है, संभल है, तमाम यहाँ लोकसभाएँ हैं वहाँ पर। क्या लगता है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि इस बार मुसलमानों की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, एक बात बता दूं आपको मैं कि आज तक तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमान को जो है वो इस्तेमाल किया है एक वोटर के तौर पे। मुसलमानों के हितों की बात किसी ने नहीं करी है। मैं आपको बता दूँ, दरअसल मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, सूफियों के लिए काम कर रहा हूँ, सूफिज्म के लिए काम कर रहा हूँ। देखता हूँ अक्सर आपके बयान आते रहते हैं और मैं वहदानियत के ऊपर, रिसालत के ऊपर, मौलायत पे, हुसैनियत पे और राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहा हूँ। दरअसल कुछ संगठन जो हैं लगातार एक काम करते आ रहे हैं और वो काम ये था कि साहब वो जो हैं मुसलमान को बीजेपी आरएसएस मोदी अमित शाह कह कह के डरा रहे हैं, डराया उन्होंने। लेकिन डराया तो सही, लेकिन मुसलमानों का फ़ायदा किसी ने नहीं किया, ये आप समझ लीजिए, किसी ने नहीं किया। एक बात, बल्कि इनकी सरकारों में कितने दंगे हुए हैं आप देख लीजिए, चाहे वो सनसी हो, मलियाना हो, भागलपुर हो, समाजवादी दौर के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कितने मुसलमान मारे गए आप अंदाजा कीजिए। एक बात, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसने उस पर काम करके दिखाया। जो योजनाएं वो लेके आए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, सबको बराबर से मिली। ऐसा नहीं कि मुसलमान को नहीं मिली, बल्कि मुसलमान लाभान्वित हुआ उसके अंदर। एक बात, और एक इशू जो था बहुत, तीन तलाक वाला जैसा अजीब लानत थी, घर बर्बाद हो रहे थे जो इस्लाम में कहीं था ही नहीं, और हमारे मौलवी जो हैं पता नहीं कौन सा इस्लाम प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने तीन तलाक को बैन किया और आज हमारे कितने घर बर्बाद होने से बच रहे हैं, हम ये देखिए। अन्य पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए और पार्टी है, वो तमाम ये कहती है कि सिर्फ एक सहूफे है जो छोड़ती रहती है भारतीय जनता पार्टी समय समय पर। नहीं, सिर्फ मुसलमानों को जो है वो मुसलमानों के अंदर एक मुसलमानों के प्रति भय फैलाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी से तो मेरा एक सवाल पर एक ही रहता है, क्योंकि मैं अध्यात्म का आदमी हूँ, सूफिज्म का आदमी हूँ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी का स्टिस्टर्स किसने खत्म किया? गरीब नवाज से ऐसी क्या नफरत थी जो हजरत गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी का स्टिस्टर्स उन्होंने ख़त्म किया? बात मुसलमानों की करते हैं, बताइए, आप बताइए क्यों ख़त्म किया, पूछिए अपने चैनल के जरिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। इस इलेक्शन में पता लग जाएगा कि मुसलमान किसके साथ जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, उतारें मुसलमान इस बार उनके साथ है, तमाम मुसलमानों की बात वो लोकसभा में। अरे भाई, एक बात बता दिए, जहाँ पर के वो रहने वाले हैं आज तक वहीं सरकार नहीं बना पाए, मुसलमानों को उनका करेक्टर वहीं मालूम है, तो हम लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वो क्या है। अब मुसलमान सियासी बहकावे में भड़कावे में नहीं आएगा, अब मुसलमान समझ चुका है, बताइए, नहीं समझा गया?
सियासी पार्टी जो तमाम सियासी पार्टी है वो मुसलमानों के लिए बात करती है कि हमने अपनी अपनी सरकारों में बहुजन समाज पार्टी को ले लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी सरकारों में मुसलमानों के लिए शिक्षा पर काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी की सरकार के दौरान काम हुआ। और अब जो RLD है उससे भी कहीं ना कहीं मुसलमान जुड़ा हुआ भाजपा को। अच्छा एक बात बता दीजिए, एक बार सुनिए, समाजवादी पार्टी का नेता कौन? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव। कांग्रेस का नेता कौन? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक, समझ रहे हैं। और बसपा का नेता कौन? मायावती। तृणमूल का कांग्रेस की कौन? ममता बनर्जी। जनता दल का कौन? लालू यादव, नीतीश, तमाम रहनुमा मुसलमानों जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तमाम रहनुमा जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। अगर बीजेपी में चले जाएगा तो उसका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वाह, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी, अगर 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 लोकदल पार्टी के नहीं, अगर लोकदल जो है बीजेपी में चल के साथ अलाइज हो गया तो मुसलमान हट जाएगा, क्यों? अजीब बात है। समाजवादी पार्टी के लीडर कह रहे हैं और अन्य पार्टी के लीडर हैं, वो अक्सर कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, वो मुस्लिमों को पार्टी जो मंत्रिमंडल है उसमें भी स्थान नहीं मिल पाता, वो जहाँ उनका होना चाहिए। क्या मुसलमानों में के नेता बीजेपी में नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हैं। साइडलाइन कर दिया बीजेपी ने। कहाँ साइडलाइन कर दिया भाई, कोई और काम लिया जा रहा होगा। मतलब एक बात बता दीजिए, अगर पार्टी का कोई मैनिफेस्टो अगर किसी का है और वो वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह उससे काम ले रही है जो है, तो भाई एक बात सुन लीजिए, अभी हमने एक सतनाम सिंह सिद्धू हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की चांसलर, उन्होंने इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन बनाई और हम लोगों ने सुविज़म के ऊपर माइनॉरिटीज़ के लिए कई, मतलब मैं भी उसका मेंबर हूँ, कुलबेर शेख साहब भी उसके मेंबर हैं, सलमान चिश्ती साहब भी उसके मेंबर हैं, ये तीन बड़े चेहरे उसके अंदर मौजूद हैं। और उन्होंने अभी कश्मीर में प्रोग्राम किया सुफिज़म के ऊपर, चंडीगढ़ में प्रोग्राम किया, दिल्ली में प्रोग्राम किया, नागपुर में प्रोग्राम किया, बम्बई में प्रोग्राम किया। और आज जब ये समझिए कि माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात करी इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के बैनर पर, और जब हमने बात करी तो सरकार को ये लगा कि ये सच्ची बात कर रहे हैं, तो सरकार ने सतनाम सिंह सिद्धू जो सरदार हैं उन्हें राज्यसभा दे दी, ये समझ लीजिए। तो माइनॉरिटी की आवाज़ तो उठाओ, इंडियन माइनॉरिटी की आवाज़ कौन उठाएगा? आपका कह रहे हैं कि भाजपा में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल है, तो ये दूसरी पार्टी क्या कर रही है, भ्रम फैला रही है? बिल्कुल भ्रम फैला रही है। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता दूँ, हमने आपसे शुरू में कहा कि हम वैदानियत, रिसालत, मौलाइयत, हुसैनियत का मिशन लेके चले, हुब्बुल वतनी का मिशन लेके चले, और हमने सरकार से इंडियन सूफी, भारतीय सूफी फाउंडेशन और सूफी इस्लामिक बोर्ड के बैनर पर हमने मांग करी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ जो मुसलमानों को भड़का रहे थे गज़बा हिंद के नाम पर, जिहाद के नाम पर। भाई एक बात बता दीजिए, आप भी मुसलमान हैं क्या? गज़बा हिंद आपने नहीं पढ़ा? आप नहीं पढ़ा होगा तो भाई गज़बा जिस भाई आप क्यों भड़काएंगे हमारे नौजवान को? आप भड़का कर, अच्छा एक बात बता दीजिए, इस्लाम, एक मिनट एक मिनट बताइए, हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठती है, सवाल ये भी आ जाता बन है, गया कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की भी मांग, भाई बन गया, एक बात बता दी, हिंदू राष्ट्र क्या बन गया? जिसकी जो काम है वो तो करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग देश के अंग को बांटने का काम कर रहे हैं। तो जो ये काम सरकार का है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो देश के बांटने का काम करते हैं, जो देश में दंगा फैलाने की बात करते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल है आपसे, आप शाहनवाज भाई मेरे छोटे भाई हैं, मुसलमान हैं, आप ये बताइए कि ताइफ के अंदर रसूल अल्लाह के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, रसूल अल्लाह ने क्या किया? दुआ करी और सब्र किया। जी बुढ़िया कूड़ा फेंक रही है, आपने कोई जवाब नहीं दिया, सब्र किया। मतलब आपका मतलब यह है कि भाजपा में अगर मुसलमानों पे कोई अत्याचार हो रहा है, कौन सा अत्याचार हो रहा है, कौन सा अत्याचार हो रहा है, ये भी बता दीजिए। विपक्ष कहता है कि तमाम मुसलमान अत्याचार, अत्याचार का आंकड़ा तो बताइए, अपनी सरकार का और उनकी सरकार का, उनकी सरकार, आपकी सरकार में कितने मुसलमान मरे, उस सरकार में कितने मुसलमान मरे, आप आंकड़ा तो बताइए, आंकड़ा नहीं बताएंगे भाई, कोई आंकड़ा तो देंगे आप, इसमें बता दीजिए कितने मुसलमान मर गए। एक बात बता दीजिए, एक आरोप था कि साहब मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार क्या मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून नहीं लेके आई? आप बता दीजिए, कानून के आने के बाद
कोई वारदात हुई हो, अगर एक दो वारदातें मामलिंग जी की हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी है। अब कानून भी आ गया आज मामलिंग जी के ऊपर, 3 तलाक पर कानून आ गया। आज कश्मीर कितना अच्छा बन रहा है कि आप मैं अभी कश्मीर गया, रात के 1 बजे मैं डल झील पर छील पर टहला हूँ। मैं 1 बजे जहाँ 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद टहल नहीं सकते थे, बताइए तो मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, तमाम संगठनों ने पार्टियों ने इन माइनॉरिटी मेरी बात सुन लीजिए, माइनॉरिटी सेल बनाई तमाम ने, समाजवादी ने, कांग्रेस, हर संगठन पार्टी ने बनाई। इसने माइनॉरिटी सेल के साथ, मोदी जी ने माइनॉरिटी सेल के साथ सूफी संवाद बनाया। इनकी समझ में ये आया कि जो सूफी हैं ये कट्टरपंथी नहीं होंगे, ये सही मुसलमान हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज वाला इस्लाम लेके आए, ये वारिस पाक वाला इस्लाम लेके आए, ये महबूब इलाही वाला इस्लाम लेके आए, ये साबिर पाक वाला इस्लाम लेके आए, ये मखदूम अशरफ समदानी का इस्लाम लेके आए, ये शानियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह का लेके आए, हजरत यूसुफ दराज का इस्लाम लेके आए। तो उनकी समझ में आ गया कि ये लोग जो है ये अमन परस्त पसंद है और यही सही इस्लाम है। उन देखिए मोदी जी की चादर, क्या अगर वो मुस्लिम मुखालिफ होते तो अजमेर नहीं भेजते, उनकी चादर अजमेर भी जाती है। और चादर जाती ही नहीं है, बाकायदा इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन जब बनी तो उन्होंने बाकायदा हम जो है चादर पेश कराई ख्वाजा गरीब नवाज में। तो आज सूफी संवाद किसने बनाया? अब सब सूफियों को पकड़ना है, क्यों पकड़ना है भाई? इससे पहले क्यों नहीं पकड़ा? इससे पहले सूफियों के लिए नहीं सोचा आपने? कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ये एक जो विपक्ष का पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ अगर आरएलडी चली गई तो मुसलमान उससे झटक गया, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर मिराजुद्दीन चले गए, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ जो आरएलडी के साथ हैं, डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब, हकीम सोच साहब के पद्मश्री, हकीम सोच साहब के बेटे, इतना बड़ा खानदान है, कितना बड़ा वोट बैंक है, क्या उनसे उनसे झटक गया क्या वो? मतलब कुल मिला के मुसलमानों को विपक्ष जो है वो भ्रमित कर भाजपा में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित। क्या लगता है आपको इस बार जो है लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए एक बात समझ लीजिए, पेट में तो कोई नहीं बैठ सकता, ना दिल में कोई बैठ सकता, लेकिन जो दिखता है, जो लोग कट्टरपंथी नहीं हैं, जो लोग इस्लाम को बदनाम करना नहीं चाहते हैं, और जो लोग ये समझ चुके हैं कि मुसलमान का सही वफादार कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो लाजमी बात है। अच्छा कशिश भाई, पूरी तरह से भाजपा जो है वो पूरी तरह से क्यों मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पा रही? नहीं, सवाल यहाँ भी गलत है आपका। भाजपा तो जीतना चाह रही है, पता ये पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमान को गुमराह करके अभी उसे गुमराह करे हुए हैं। मुसलमान जो है अभी भाजपा पर भरोसा नहीं कर पा रहा है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से। जिस दिन ये समझ में आ गया कि मुसलमान का हमदर्द कौन है और गद्दार कौन है, देश के अंदर बड़ा इनकलाब पैदा होगा, ये मैं आपको बता दूँ। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सूफिज़म के ऊपर आज तक किसी पार्टी ने काम भाई नहीं किया है। आपके चैनल के जरिए एक बात होकर मैं कहना चाहता हूँ, आप अपील करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से कि अभी कुछ लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की तौहीन करी, कुछ लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार को लेकर डिस्प्यूट पैदा करना चाहा है, कुछ लोगों ने अपमानित शब्द बोले हैं, तो ये जहाँ जो एक बात बता दीजिए आप, क्या मदरसों के अंदर हिंदू जाता है? नहीं जाता। सिख जाता है? नहीं जाता। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज से लेके वारिस पाक का दर वो दर है जहाँ हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है। हर मजहब के आदमी के अकीदे का नाम गरीब नवाज और वारिस पाक तक के तमाम बुजुर्गान दीन है, और उन लोगों ने तौहीन करी है और अब बहुत बेहुदा लफ्ज बोले हैं, देश में माहौल ख़राब करने की साजिश ऐसी है। तो मैं आपके चैनल के जरिए ये भी अपील करता हूँ कि देश की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? इस बार मुसलमानों का एक बड़ा परसेंटेज वोट का जो है वो जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। तो ये कशिश वारसी थे हमारे साथ, भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, सभी सवालों का उन्होंने हमें जवाब दिया, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस बार बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी जो रुझान आएंगे, जो लोकसभा सीटें हैं उस पर रुझान आएंगे,
वो बेहद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, ऐसा कशिश वारसी का कहना है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, मुरादाबाद।